हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्राइम शो इंस्पेक्टर के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे 3rd और 4th नवंबर का केस। केस में बताया गया है कि ये केस लखनऊ और उत्तर प्रदेश की लोकेशंस का है, जबकि असलियत में ये केस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। ये केस लाइमलाइट में आया था जब 24 मार्च 2017 को भोपाल मध्य प्रदेश से हबीबगंज इलाके में फिल्मी स्टाइल में एक सनसनीखेज अपहरण की घटना हुई थी। यहाँ नागपुर में सेक्स रैकेट चलाने वाले एक गिरोह की 6 महिलाएं और 8 पुरुषों ने सीआईडी हवलदार के बेटे गौरव का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया था। किडनैपर 2 गाड़ियों में भरकर आए थे और उन्होंने सीआईडी हवलदार के घर पर धावा बोला, फिर मां को पीटा और बेटे को उठाकर ले गए। हालांकि किडनैपर ज्यादा दूर नहीं भाग पाए थे और पुलिस की मुस्तैदी के चलते उन्हें धर दबोचा गया। जब पूछताछ हुई तो इस केस का पूरा खुलासा हुआ। आइए हम बताते हैं पूरा मामला। पुलिस ने बताया था कि पुलिस मुख्यालय स्थित सीआईडी शाखा में पदस्थ हवलदार प्रकाश शर्मा, जो शिवाजी नगर में रहते हैं, उनके वहां गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे राजस्थान और ग्वालियर नंबर पासिंग की 2 गाड़ियां घर के सामने आकर रुकी। दोनों गाड़ियों में 2 महिलाओं समेत 1 दर्जन लोग थे। गाड़ियों से उतरते ही उन्होंने गाली गलौज की और शर्मा के इकलौते बेटे गौरव को पीटते हुए गाड़ी में डालकर भाग निकले। इस बीच गौरव की माँ सविता बेटे को बचाने दौड़ी तो महिलाओं ने उनसे भी मारपीट की। गौरव की मां ने जब आसपास के लोगों को बुलाया तो हमलावर भाग निकले। आसपास के लोगों ने पुलिस को संपर्क किया और गाड़ी का नंबर दिया। पुलिस की मुस्तैदी के चलते गाड़ी का नंबर आसपास की सभी लोकेशंस पर भेजा गया और कुछ ही देर बाद हमलावर पकड़ा गए। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी को पीछा करते हुए देखकर गौरव शर्मा को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया, लेकिन फिर भी वे बच नहीं पाए। पूछताछ में पता चला कि गौरव शर्मा, जिसका अपहरण हुआ था, उसे उसके मौसेरे भाई विपिन, जो कि छिंदवाड़ा का रहने वाला है, समझकर किडनैप कर लिया गया था। विपिन को नागपुर में रह रही रिंकी से प्रेम हो गया था। कुछ दिन पूर्व विपिन ने नागपुर में उससे शादी कर ली थी। रिंकी, जो कि बेड़िया समुदाय से ताल्लुक रखती है, उस समुदाय में महिलाओं से देह व्यापार करवाया जाना उनका घरेलू धंधा है। वो रिंकी को बेचकर देह व्यापार के दलदल में भेजना चाहते थे। विपिन, जो कि मंत्री रामपाल के यहाँ ड्राइवर का काम कर रहा है, रिंकी से प्यार हो जाने के कारण उसे भगाकर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकाल लाया था। रिंकी, जो कि अभी भी देह व्यापार में संलिप्त थी, और उसकी 2 बहनें भी नागपुर में यही बिजनेस कर रही थी। रिंकी वैसे तो राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन उसके मामा उसे राजस्थान से मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले आए थे। यहाँ रिश्ते में उसके मौसा पान सिंह को उन्होंने उसे 9 लाख रुपये में बेच दिया। उसके मौसा ने उसे जिस्म फरोशी के धंधे में लगा दिया। फिर कुछ टाइम बाद नागपुर के गंगा जमुना रेड लाइट एरिया में सेक्स का गिरोह चलाने वाले बंटी और शबनम को 15 लाख रुपए में बेच दिया। इसी एरिया में छिंदवाड़ा के रहने वाले विपिन से उसकी बातचीत हुई। विपिन यहाँ टैक्सी चलाता था। उसने विपिन को अपनी आप बीती बताई और इस दलदल से बाहर निकालने के लिए मदद मांगी। विपिन ने भी साथ निभाया और उसे भगाकर भोपाल लेकर आ गया। विपिन ही गौरव की मौसी का लड़का है, इसलिए विपिन और रिंकी गौरव के घर रुके। इस केस में टोटल 12 आरोपियों को आरोपित किया गया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे सिद्धार्थ बहुगुणा। आपको हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।